नमस्कार जी, हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। तो ये जो हमारा आज का सफ़र है ये अभी शुरुआत हो चुका है, हम लोग नगरोटा हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो आज का हमारा सफ़र है, आपने टाइटल में पढ़ते हुए आपको पता लग ही गया होगा, हम लोग जा रहे हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ, और वो भी हम लोग जा रहे हैं विंटर में। तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर बहुत ज़्यादा होने वाला है और बर्फ़ की तो कोई कमी होगी नहीं। तो इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसे कि आपको मैंने बता दिया हम लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में आपको मैं बताता जाऊँगा हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसी के साथ आप लोग कीजिए ये ब्यूटीफुल से व्यू और ये म्यूज़िक एंजॉय, लेट्स गो। अगर आप ये सुंदर सुंदर से व्यू देख के खो चुके हो तो नॉक नॉक वापस आ जाइए। एक सूचना जनहित में जारी करना बहुत ज़रूरी है कि अगर बाय चांस आप प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ वेदर रिपोर्ट देख के आएँ, और रात को ट्रैवल बिल्कुल ना करें, क्योंकि रात को जो दोपहर को आइस पिघलती है वो रात को जब जम जाती है तो उसके बाद वो जैसे हमारे फ्रिज में आइस क्यूब्स होते हैं उसकी तरह बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, और जनहित में जारी हो चुकी है सूचना, आप वापिस वीडियो में आ गए। ये हमारे साहब हैं, इनके साथ हम लोग क्रिमिनल्स, जहाँ पे ट्रैफिक लगा हो इनका नाम ले लो, ऊपर से पत्थर गिर रहा हो पर हमारे साहब का नाम लोगे पत्थर रुक जाएगा। इतनी शक्ति है। तो ये अब रही जवाहर टनल, ये है 2.85 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये। तो ये बनिहाल और काजीगुंड को कनेक्ट करती है। ये टनल बना स्टार्ट हुई थी 1954 में, बहुत ज़्यादा पुरानी टनल है, और दिसंबर 1956 में इसका ओपन किया था इसको। तो ये टनल भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है, अगर आप पुराने टाइम में देखो उस हिसाब से ये टनल बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम पहले भी, अब जैसे कि नई टनल जैसे नाशरी टनल बन गई हुई है उस हिसाब से भी ये टनल तब भी कितनी पुरानी टनल है, अभी भी अच्छे से चल रही है। तो फाइनली जैसे ही टनल ख़त्म हुई, पीछे भी बनिहाल से पीछे भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, पर जैसे ही टनल जवाहर टनल ख़त्म हुई, जो व्यू था ना मेरे भाई, क्या बर्फ़ पड़ी हुई थी यार, जैसा कि आपको दिख रहा हो इतनी, इतने मतलब 2000 के करीब एल्टीट्यूड है और पहाड़ों के टॉप तक बर्फ़ पड़ी हुई है, इतना अमेजिंग व्यू था ना। और बनिहाल जैसे ही ये टनल क्रॉस करो तो पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। आगे जैसे ही हम लोग साइड पे थोड़ा सा रुके तो साइड पे व्यू जो था, तो अभी हमने जवाहर टनल क्रॉस की थी, तो वो 5 किलोमीटर की टनल है बिल्कुल अभी क्रॉस की, तो बिल्कुल सामने ये रहा बिल्कुल स्लो वाला व्यू है। और अभी मेरा दोस्त थोड़ा सा खड़े हो जाइए, वो थोड़ा सा आगे आगे आपको दिखाएगा। तो ये जितना भी एरिया है इतना सुंदर लग रहा है, दिस इज़ इनक्रेडिबल। वो देखो पूरा का पूरा जितने भी खेत वगैरह है सारे बर्फ़ से कवर हुए हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप विंटर में आना चाहोगे ये वीडियो देख के, ज़रूर आपको आना चाहिए, और ख़ासकर विंटर में, जून जुलाई में ऐसी बर्फ़ नहीं होती, ठंड होती है पर बर्फ़ नहीं होती। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो बाय बाय। ये प्लेन रोड कहाँ पे है? तो जैसा कि सबके साथ ऐसा ही होगा, जैसे हम कश्मीर को इमेजिन करते हैं वो अच्छे अच्छे से पहाड़ हमें दिखते हैं, मैं बचपन में खुद भी यही सोचता था कि यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही होते हैं, पर जब मैं पहली बार खुद ट्रैवल करके आया था तो मैंने देखा था यहाँ पे प्लेन रोड डबल लेन वाला हाईवे है। तो काफ़ी एरिया जो श्रीनगर में है वो प्लेन भी है,
तो ये रास्ते पे आप क्रूजिंग स्पीड पे आराम से ट्रैवल मज़े से गाड़ी चला सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग यहाँ पे श्रीनगर पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम अगली अगली वीडियोस में जहाँ जहाँ जाएंगे आपको पता लगता ही जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर एक चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन, साइनिंग ऑफ एक्सप्लोरर फुकरे।